ये वैल्यूज कैसे लेना है? ए है गेन, गेन इज गेन शुड बी ग्रेटर देन 29. नहीं 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 ये फेस शिफ्ट है. ओके वेन ब्रिज का किधर है? बाजू में. ओके हाँ वेन ब्रिज का ये एक गेन शुड बी ग्रेटर देन 3. ये फेस शिफ्ट में भी सेम प्रोसीजर करना है. हम लोगों का इनपुट ग्रीन में है जो हम लोगों ने पिन नंबर 2 या 3 को कनेक्ट किया है. और बाकी का ये इसमें है आउटपुट पे है. तो पहले हम लोग ने आउटपुट सिर्फ आउटपुट को ऑन किया और कर्सर्स में जाके जैसा हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था कर्सर्स को क्लिक इसको क्लिक करने का मेजर में जाके फिर ये Y1 को सिलेक्ट किया तो ये Y1 को ऐसे हिलाने का ऐसे करने का Y2 को ये करने का पीक टू पीक ऐसा ये सेट कर दिया. इसके बाद ये क्लिक कर देने का यहाँ. नहीं तो हम लोगों को अगर ये करने को कंटाला आ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस ऑटो स्केल क्लिक करने का फिर मेजर करने का. मेजर किया तो डायरेक्टली पीक टू पीक आ जाता है 4.7 वोल्ट के आसपास. ओके अभी हम लोगों को आउटपुट को देखने का तो आउटपुट को ये करने का इसको मदद बंद कर देने का चैनल 1 को फिर मेजर क्लिक करने का ऑटो स्केल करना पड़ेगा आई गेस. ऑटो स्केल करेंगे फिर मेजर करेंगे. पिक टू पिक सिग्नल नहीं आ रहा है तो सिग्नल नहीं आ रहा होगा तो फिर ये Y1 से हम लोग मैन्युअली भी कर सकते हैं. 1.03 वोल्ट Y2 ये है. सो हम लोगों को डेल्टा वाई अराउंड 2 मिला है. लाइक वो हम लोगों को पिछले इसमें कितना मिला था पिक टू पिक 4 के आसपास मिला था. सो हम लोगों का गेन ऑलमोस्ट अराउंड 2 to 3 के बीच में है. सो जैसे हम लोगों ने थियोरेटिकली गेन हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए वेन ब्रिज की कंडीशन में वो कंडीशन का ये हो रहा है. जो हम लोगों का जो जिसके लिए डिजाइन किया था जो क्वेश्चन में दिया था ये वो फ्रीक्वेंसी है. हम लोगों को जो मिला वो फ्रीक्वेंसी जो मिला वो फ्रीक्वेंसी लाना बहुत ईजी है. इसमें बस 2 को ऑफ कर दो चाहिए तो फिर मेजर करेंगे फ्रीक्वेंसी आ गया 3 kHz. सो अराउंड 2.5 kHz 3.5 के आसपास हम लोगों ने डिजाइन किया था और वही हम लोगों को फ्रीक्वेंसी आ रहा है. हाँ ऑटो स्केल कर देंगे. ऑटो स्केल किया तो फ्रीक्वेंसी आ जाता है और मेजर के ऊपर क्लिक कर देंगे. ओके टोटल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस टाइम पीरियड हम लोगों को डायरेक्टली 1/f से मिल जाता है तो उसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती. फिर फीडबैक नेटवर्क फैक्टर कोएफिशिएंट बीटा बीटा इज 1/gain. सो जो भी गेन है उसका 1/ ये लेने का. टोटल ऑसिलेटर क्लोज लूप गेन ए बीटा गेन और इसको हम लोगों को मल्टीप्लाई करना और वो अराउंड 1 आ जाता है. ये एक्चुअली बीटा के लिए मैनुअल प्रोसीजर भी है बट अकॉर्डिंग टू आवर सर्किट डायग्राम वो सेम ही आता है. आई गेस बीटा को कैलकुलेट करने के लिए और था.